अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशन से होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको SCHM JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके थ्रू आप IHM दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। IHM आपको BSc कोर्स करवाती है जो कि 3 साल का होता है, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को NTA कंडक्ट कराती है, NCHM JEE दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में। आपका जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो क्या है, एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे और कौन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसे होटल एडमिनिस्ट्रेशन या होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ऐसे और भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉलेजेस या फिर कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। तो जैसे कि ये BSc कोर्स है, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली अगर हम देखें तो BSc वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम से अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पे BSc जो कोर्स है इसके लिए 12th स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 12th में कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश एक ऐसी कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है ताकि बाकी अदर जो किसी भी अदर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सके। सो अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है या अभी आप 12th कर रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है और आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे, एंड एप्लीकेशन लास्ट डेट क्या है वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर लाइक आपने 12th या फिर 12th के इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और जब आपकी काउंसलिंग होगी ना तो उस टाइम आपको पासिंग सर्टिफिकेट या पासिंग मार्कशीट देनी होगी। काउंसलिंग आपकी लास्ट सेप्टेम्बर 30 सेप्टेम्बर 2022 में आपकी काउंसलिंग होगी, तब तक आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 12th की या फिर जो भी आपका 12th के इक्विवेलेंट कोर्स है उसके, ठीक है। यहाँ पे अपर एज लिमिट भी है, तो अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन 25 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, और अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं देन 28 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट रहेगी। मिनिमम यानी कि लोअर एज लिमिट नहीं गिवेन है, तो अगर आप 18, 16 या 17 ईयर्स के हैं आप सभी एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट एग्जामिनेशन डिटेल की बात करें, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है 2022 में, ये हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है और वो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत केयरफुली आपको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। और टोटल 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, MCQ टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ऑनलाइन मोड में यानी कि CBT मोड में आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। और सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चंस होंगे, और एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाता है। सो ये आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न है। अगर आप NCHM JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, और आपका जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से टॉप IHM हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी, और फॉर्म के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आपका जो सिलेक्शन है एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में वो आपके एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक एंड मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करेगा। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसका एक रैंक भी तैयार किया जाएगा, तो उस पर भी आपका एडमिशन डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, प्लस आपका जो मेडिकल फिटनेस है उस पर डिपेंड करेगा। तो और भी कुछ फैक्टर्स है जो कि NCHM CT के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सिलेक्शन या एडमिशन की जाएगी। सो एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो NCHM JEE का जो सेंटर है वो इंडिया में कहीं पे भी आप भर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको 4 प्रेफरेंस देने होंगे, तो कुछ सेलेक्टेड सिटी है लेकिन 28 स्टेट्स में आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ही मोस्टली आपको सेंटर मिल जाता है। तो अगर हम फॉर्म की बात करें, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रहेगी 3rd मई 2022,
और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 28 मई 2022 को होगा जो कि सैटरडे है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 450 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। सो एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरोगे तो एक ही फॉर्म भरिएगा, मल्टीपल फॉर्म के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर कुछ मिस्टेक होता भी है तो आप थोड़ा सा वेट करना, 4th to 5th में आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी मिस्टेक आपने किया है तो इन्हीं टाइम ड्यूरेशन में ही एडिट कर लीजिएगा। सो IHM की बात करें तो टोटल 78 IHM है जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है जिनमें आपका एडमिशन होना है। यहाँ पर अगर हम टॉप IHM की बात करें, टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात करें तो IHM प्यूसा है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई, IHM हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़, बैंगलोर एंड कोलकाता। सो BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कोर्स में आपको इन डेप्थ लेबोरेटरी वर्क मिलता है ताकि आप रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज एक्वायर कर सके। यहाँ पे मैनेजरियल इनपुट्स भी डाले जाते हैं, अलग अलग मैनेजमेंट अकाउंटेंसी रिलेटेड चीज़ें भी आप सीखते हो। सो प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी होता है। और अगर आप करियर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। एंड जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।